जुनिया में विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर विकास यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा गांव चौका, खमरिया, मानपुर, पटना, सिंगापुरी होते हुए जो है अन्य गांवों में पहुंची। इस दौरान रामपाल सिंह ने 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं रामपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे गांव गांव, शहर शहर में अर्थव्यवस्था जैसी सेवाओं और सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं का हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि विभोर नायक, भाजपा महामंत्री संजू बनारसी, भाजपा वरिष्ठ नेता विष्णु रावत, मोनू सोनी, श्याम साहू, मोहन साहू, प्रदीप कुशवाहा मौजूद थे। किया वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, निभाया वादा। सरपंच साहब के मन में जो इच्छा है, गांव की दशा की तरफ वास्तव में ध्यान दिए। सिलवानी में तो एक ही लड़क थे, सिलवानी में जब पटवारी चुनाव लड़ते थे, खेले का बटेरा बना दो सिलवानी, बटेरा सुल्तानगंज बना दो, रायसेन से दरवाजे, गांव की कोई कल्पना नहीं थी कि गांव में सड़कें बने। लेकिन गांव के अंदर कोई सोच भी नहीं था, विजन भी नहीं था। जो प्रधानमंत्री जब माननीय होते मुख्यमंत्री, उनका ख्याल किया जाता कि हमको क्या करना है, लक्ष्य बना के काम करना चाहिए था। वो नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ गांव का, गांव काफी पिछड़ गया। मध्य प्रदेश तो पिछड़ा राज्य बन गया था, सड़क बिजली के मामले में मध्य प्रदेश बहुत बुरी तरह बदनाम था। सड़क में गड्ढे, तंडोले मंडोले सड़कें, बिजली में तार से खंभे से बच्चे झूमने लगे। गांव के लोग तो धुर्रा बताते थे, हम लोग धुर्रा से घूमते थे, लाइट आती नहीं थी, जनरेटर चिमनी का युग था,